ई रिक्शा चालकों ने अपनी तरफ से जी हाँ देशभक्ति दिखाई और क्या कह रहे हैं? आज के तारीख में हमारा ई रिक्शे का किराया पब्लिक से सारा फ्री होएगा। आज के दिन हम फ्री किराया है। हम सब भारतवासी हैं, सब एक हैं। आज सबके लिए किराया फ्री है। नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार का अंत। ये देख लीजिए एक बार, ई रिक्शाओं पर आज तिरंगे सीएम सिटी के अंदर लग चुके हैं। और आपको बता दें कि जो ये संस्था है, ये देख लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई रिक्शा वालों की ये संस्था है जो आज यहाँ पर सीएम सिटी के अंदर ई रिक्शा पर तिरंगे लगाकर वो एक रैली निकाल रहे हैं, वो मार्च कर रहे हैं। और देख लीजिए तमाम ई रिक्शा चालक यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं उनके अंदर। इनसे बातचीत जरूर करेंगे कि कैसे ये विचार आया और कैसे ये कब से ये मतलब कर रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग कल से शायद ये लगे हुए हैं इस यात्रा को निकालने में। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजन है जी। राजन है, तो आप भी ई रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। अच्छा, कब से चलाते हो ई रिक्शा? हो गए जी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, तो कल से लगा रखे हैं? हाँ जी, 13 तारीख से लगा रखे जी। अच्छा, 13 तारीख, 13 तारीख से लगा रखे। अच्छा, तो सिटी में घूम रहे हो? हाँ, सिटी में ही घूम रहे जी। तो क्या कहना चाहोगे? आज का किराया फ्री है जी, आज हमारी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से। हाँ, आज किराया हमारा फ्री है और भारत माता की। तो देख सकते हैं कि ई रिक्शा चालक ने अपनी तरफ से जी हाँ देशभक्ति दिखाई और क्या कह रहे हैं कि आज की तरह आज का हमारी तरफ से जी हाँ जो भी सफर करेगा ई रिक्शा में उनका किराया फ्री है, वो फ्री सफर कर सकते हैं आज। कहाँ से आए? मैं करनाल से हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ई रिक्शा चालक करनाल से हूँ। मनोहर लाल जी, माननीय पंडित मनोहर लाल जी ने हमें ई रिक्शा दी थी, पंडित दीनदयाल संस्था हमारी बनाई थी। आज भी हम अपनी जगह पर कामयाब हैं और आज के तारीख में हमारा ई रिक्शे का किराया पब्लिक से सारा फ्री होएगा। और हमारी जो स्टैंड मीनार रोड में बनी हुई है, अगर इसको खुलवा दिया जाए तो अच्छी बात होएगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से आज भी हम मौजूद हैं, जो खट्टर सामने हमें रिक्शा दी थी, आगे हम ऐसे ही रहेंगे और आज के एक बन के रहेंगे। और 15 अगस्त के दिन, आज के दिन हमारे तरफ से कोई भी अमीर गरीब कोई भी आए, हमारे तरफ से किराया फ्री है, अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बहुत अच्छी बात है कि एकता का संदेश दे रहे हैं कि हम सभी एक हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी के लिए ई रिक्शा चालक है, वो फ्री मतलब किराया बिल्कुल मुफ्त में वो सफर कर सकते हैं आज के दिन। तो यहाँ पर महिलाएं भी, उनसे बातचीत जरूर करें। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? नीलम। कब से चलाते हैं ई रिक्शा? ई रिक्शा 7 साल हो गए जी। 7 साल हो गए, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब 15 अगस्त है आज और आपने भी मतलब तिरंगा लगा रखे ई रिक्शा पे, तो क्या कहना चाहोगे देशवासियों को? देशवासियों को ये कहना चाहते हैं जी, आज के दिन हम फ्री किराया है जी। फ्री किराया है? हाँ जी। हाँ, आज आजाद हुआ था, आज के दिन हमारा देश। हाँ जी, तो मानते हो आजादी मिल चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आजादी मिली हुई है, मिल चुकी है आजादी। फिर ये घूंघट पड़ता क्यों है? घूंघट करना पड़ता है, हिंदुस्तान नारी का अपना पड़ता तो पड़ता ही होता है। हाँ जी भाई, बात जी, जेठ भी लगते हैं, भाई भी लगते, सारी चीजें इस करते हैं हम यहाँ हमारे। वैसे आजाद है? हाँ जी, वैसे आजाद। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? पूनम नाम है जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आजादी है, मतलब 75वां स्वतंत्रता दिन हमारा देश आजाद, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो इसलिए हम लोग। तो जनता को क्या कहना चाहते हैं जो मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं? झगड़े कोई फायदा नहीं है, झगड़े में कुछ नहीं है, दुश्मनी है, सब मिलकर रहे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, जो पैर व्याह में जिंदगी करती है, ऐसी और कैसी नहीं है, दुश्मनी में कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, हम सब भारतवासी हैं, सब एक हैं। तो देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े ना करें, सब एक है, सब इसी धरती के वासी हैं और एकता का संदेश लोग दे रहे हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को एक बार शेयर जो कर दीजिए, यहाँ पर ई रिक्शा चालक एकता का संदेश देते हैं, जरा देशभक्ति का वो संदेश देते हैं, जरा और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बड़ी खुशी है इस चीज में कि आज हमारा देश आजाद हुआ था, आज सबके लिए किराया फ्री है, सबके लिए किराया, कोई छोटा बड़ा सब। तो ई रिक्शा की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे, ये देख लीजिए
कि ई रिक्शा को किस प्रकार से सजा रखा है तिरंगे, ये देख सकते हैं। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्था है जो उन्होंने अपने ई रिक्शा ऊपर तिरंगे लगा रखे हैं और बड़े अच्छे तरीके से, जी हाँ बड़े अच्छे तरीके से सीएम श्री करनाल के अंदर वो रैली भी निकाल रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये दूर तक आप देख लीजिए कि दूर तक काफी रिक्शा है जिन पर आज तिरंगा इन्होंने लगा रखा है और सीएम सिटी करनाल के अंदर वो रैली निकाल रहे हैं। और आपको बता दें कि इनका ये भी कहना है, भाईचारे का ये संदेश दे रहे हैं, एकता का संदेश दे रहे हैं कि कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, सभी एक हैं, एक खून हैं और एक माँ के हैं और ये धरती माँ है। और आज यहाँ पर तिरंगा वो देख सकते हैं कि तिरंगा लहराते ये नजर आए सीएम सिटी के अंदर, एकता का भाईचारे का संदेश ये देते नजर आए। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आज देश के अंदर लड़वाया जा रहा है, संदेश क्या दिया जा रहा है कि तुम एक तरह से मतलब लड़ाने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन आज आप देखोगे कि ई रिक्शा चालक, जी हाँ दीनदयाल उपाध्याय जो संस्था है उनके तरफ से ये देख सकते हैं पूरी की पूरी संस्था यहाँ पर मौजूद है और संदेश देती नजर आए कि भाईचारा का संदेश देती नजर आए, एकता का संदेश देती नजर आए, क्योंकि आज देश को सच में इसी चीज की जरूरत है। तो जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं शेयर जो कर दीजिए। मैं रविंदर सरपंच संचार क्रांति करनाल हरियाणा से, जय हिंद जय भारत।